एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ डिजिटल इंडिया के बारे में। जी हाँ, ये जो डिजिटल इंडिया है या जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये आपके रिलेशन में, आपके ज़िंदगी में क्या साइड इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है? क्योंकि ये जितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, उतनी ही तेज़ी से ये आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है और आप कई हद तक समझ भी नहीं पाते हो। और जब तक आप समझ पाते हो ना, तब तक बहुत देर हो जाती है और बहुत प्यारी सी चीज़ आपकी ज़िंदगी से या तो चली जाती है या फिर आप जाने देते हो या फिर आप ख़राब कर देते हो। तो मैं आज इसी मुद्दे पर बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस पूरे वीडियो को आपको एक कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाली हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। पहली जो बात बताने वाली हूँ वो है, आजकल सभी FB यूज़ करते हैं, फेसबुक सब यूज़ करते हैं। लगभग 99% जो है वो फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो पार्टनर है वो भी आपके फेसबुक पे है। अगर वो आपके किसी भी एक फ्रेंड को डिसलाइक करे, उसे पसंद ना करे, पर वो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकती है, तो वो अगर कंसर्न करे आपको कि अगर आपको रिक्वेस्ट करे कि आप उनके साथ ना घुल मिलो या फिर कुछ, और अगर आप जानते हो कि वो अच्छे हैं, अगर आप नहीं जानते हो कि वो अच्छे हैं, वो अलग बात है, आपको डिस्कशन करनी चाहिए। पर अगर कोई आपको ऑर्डर करे कि तुम्हें इसको ब्लॉक करना ही है या फिर तुम्हें इसको अनफ्रेंड करना ही है या फिर तुम FB ही छोड़ दो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, अगर तुम्हें ये कोई इंस्ट्रक्शन दे कि तुम इस चीज़ से बाहर आ जाओ, इसका मतलब सिर्फ यही है कि उससे आप पे ट्रस्ट नहीं है और कहीं ना कहीं आप डिजिटल जो वर्ल्ड है उसका शिकार हो रहे हो और कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मेंटल अटैचमेंट या फिर अंडरस्टैंडिंग वो अलग बात है, पर कोई अगर आप पे धौस जमाए, अगर कोई आप पे रौब झाड़े, अगर कोई आप खुद के डिसीजन को आपके ऊपर थोप दे, तो वो इसे भी आपका अच्छा पार्टनर नहीं है। पहली बात। नंबर टू वो है कि आज के ज़माने में वीडियो कॉलिंग, फ़ोटोग्राफी सेंड करना एक दूसरे को, या फिर ये भी कह सकते हो कि मतलब वीडियो कॉल पे बात करना या फिर वीडियो भेजना, ये सारी चीज़ें ना बहुत ही कॉमन है। कॉल करना तो बहुत कॉमन है, वीडियो कॉलिंग करना भी बहुत कॉमन है, पर कोई आपका पार्टनर अगर इस रिश्ते का वास्ता दे के आपसे कुछ ऐसे टाइप के फ़ोटोग्राफ्स मांगे जो बिल्कुल भी आप कंफर्टेबल नहीं हो या फिर आप भेजना नहीं चाहते या फिर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, पर वो इसकी मांग कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि आप अभी से ही ना एक्शन लेना शुरू कर दो या फिर आप स्टैंड करना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शिकार होते जाओगे, ये चीज़ें और बढ़ती जाएगी। और जो आप से प्यार करते हैं, जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो आप पे डिपेंड है, जो आपके साथ अटैच है ना, उससे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जिसकी दिमागी प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, जो आपके साथ सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, जिसको आपसे प्यार नहीं बस नीड है, उसे ही वही ऐसे टाइप के हरकत कर सकते हैं। आपको इस चीज़ को लेके ना थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए। अंधेपन को नहीं अपने ऊपर हावी देना है और इस चीज़ से खुद को बचाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 और वो है कि अगर आप किसी रिश्ते में हो, हस्बैंड वाइफ भी हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो या फिर नॉर्मल रिलेशनशिप में भी हो, कोई आप कहीं बाहर गए हो, इसके बिना कहीं बाहर गए हो अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ, कोई अगर आपको पूछे कि तुम कहाँ हो, मुझे दिखाओ वीडियो कॉल करके, मैं कभी नहीं बताऊँगी कि ये गलत बात है। हो सकता है कि आप कहाँ हो, मतलब क्या कर रहे हो, वो सिर्फ नॉर्मली इंटरेस्ट लेके या फिर नॉर्मली क्वेरी कर रहा है कि वो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कोई भी हो सकती है। मैं सबसे पहली बात ना, मैं जब भी कुछ कहती हूँ ना, लड़के बड़े भड़क जाते हैं कि मैम आप तो फेमिनिस्ट टाइप की बातें करती हो, आप सिर्फ लड़कियों के साइड लेकर बातें करते हो। नहीं, ये दोनों के साथ ही घट सकती है, लड़कों के साथ भी घट सकती है, लड़की के साथ भी घट सकती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर नॉर्मली ये कैजुअल सा एक कॉन्वर्सेशन है कि तुम कहाँ हो, बस मुझे दिखा दो क्या कर रहे हो, कैसे इन्जॉय कर रहे हो, जैसे कि अगर आप कहीं मॉल में गए हो दोस्तों के साथ, तो आप कहाँ गए हो, नॉर्मली कैसे इन्जॉय कर रहे हो, वो आपने कुछ आपको वीडियो कॉल करके आपने दिखा दिया, वो अलग बात है। पर अगर हर बार आप कहाँ हो, हर बार आप किसके साथ हो, ये आपको प्रूफ करनी पड़े ना, तो डेफिनेटली आप फिर शिकार हो और आपको इस चीज़ के बारे में दोबारा सोचनी चाहिए। क्योंकि जिस रिलेशन में लॉयल्टी नहीं, जिस रिलेशन में ट्रस्ट नहीं, एक दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं, कुछ भी नहीं,
वही ऐसे हरकत करते हैं, जो ओवर पोजेसिव होते हैं वही ऐसे हरकत करते हैं कि हर बार प्रूफ करनी पड़े। आपने बताया आप मम्मी के साथ गए हो, फिर भी आपको वीडियो कॉल के पूछ रहा है कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो, दिखाओ। नहीं, तुम बस दिखा दो कि तुम अपनी मम्मी के साथ हो, या फिर तुम बस दिखा दो तुम अपने भाई के साथ हो, या फिर तुम बस ये दिखा दो कि तुम जहाँ गए हो, जिसके साथ गए हो, वो कोई मेल नहीं है या फिर वो कोई फीमेल नहीं है। अगर बात ऐसी आती है ना, तो डेफिनेटली अब तुम्हें स्टैंड लेना है, डेफिनेटली तुम्हें इस बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, तुम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन क्यों थे, मैं तो नहीं थी, तुम एबी में ऑनलाइन क्यों थे, मैं तो नहीं थी, तुम मैसेंजर क्यों यूज़ करते हो, तुम ये क्यों यूज़ करते हो, तुम टेंडर क्यों यूज़ करते हो, तुम ट्विटर क्यों यूज़ करते हो, तुम इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो या फिर तुम फेसबुक को ही डिलीट कर दो, तुम मेरे अलावा किसी और से बात कैसे कर सकते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो डेफिनेटली डिजिटल अब्यूजिंग का आप शिकार हो। और ऐसे जो हरकत करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं संकी टाइप के होते हैं, या तो उनके साथ आपका कोई वास्ता नहीं, या फिर वो कुछ अलग ही हैं, उनसे प्यार है कि नहीं ये पता नहीं, पर कहीं ना कहीं वो ना आप पे एक धौस जमाते हैं, आप पे मतलब आपको अपना प्रॉपर्टी समझते हैं, और वो जो कहेंगे वही आप करोगे, आपको करनी चाहिए क्योंकि आप रिलेशनशिप में हो, ऐसा मानते हैं। तो अभी से इसके बारे में आप दोबारा सोच लो, क्योंकि जो हमारी डिजिटल वर्ल्ड है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। आप हर रोज़ किसी के साथ मिल नहीं सकते, तो कभी आपने वीडियो कॉलिंग कर ली, एक दूसरे को देख लिया, तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड क्रिएट करता है। आप नॉर्मली फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, कभी कभार बहुत ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो आपने व्हाट्सएप पे बात कर ली, बात नहीं कर सकते व्हाट्सएप पर चैट कर ली, सुकून मिलता है, कोई है हमारे लिए ऐसा फील होता है। पर यही चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में बर्डन क्रिएट करें, यही चीज़ें अगर हमारे लिए सफोकेशन बन जाए ना, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और आपको इस चीज़ के बारे में दोबारा ज़रूर सोचना। ये वीडियो कैसी लगे व्यूअर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।